Assalamu alaikum students, welcome to online classes of Rise and Shine School. New Oxford Countdown Book 4, 3rd edition. I am your math teacher, Kiran Murtaza of class 4. Topic number 3, Area and Perimeter, page number 149. Topic number 3, lecture number 1, exercise 6, page number 149. Students, आज का हमारा topic number 3 है area and perimeter. इसका page number, आपकी book का page number 149 का question number 15 करेंगे हम. Exercise जो है हमारे पास है 6. Page number 149 में आपके पास question number 15 है. Find out the area of each of the following carpets. यहाँ आपके पास ये shapes नजर आ रही हैं, ये carpets बने हुए हैं, यानी A, B, C. अब हमने क्या करना है, इन तीनों shapes का, यानी इन तीनों carpets का हमने area मालूम करना है. हमें यहाँ पे सिर्फ area मालूम करने का कहा गया है, तो हम सिर्फ area मालूम करेंगे. इसके लिए सबसे पहले हम data बनाएंगे. आपके पास इसमें देखिए, इस शेप ए में जो कारपेट बनी हुई है, इसमें जो लेंथ है 6 मीटर है और जिसकी ब्रेथ है यहाँ पे 4 है, और एरिया हमें मालूम करना है. तो आपने जो चीज़ आपको मालूम करनी है वो भी डेटे में लिखनी है, और जो हमें दी हुई है यानी लेंथ और ब्रेथ जो दी हुई है हमने, वो भी यहाँ पे डेटे में लिखना है कि इसकी लेंथ इतनी है 6 सेंटीमीटर, उसकी ब्रेथ जो है वो 4 मीटर है. एरिया हमने मालूम करना है. फार्मूला ऑफ एरिया, एरिया का फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. अब यहाँ पे देखिए, एरिया हमने सीधा लिखा, लेंथ हमें दी हुई थी 6 मीटर और ब्रेथ दी हुई हमें यहाँ पे 4 मीटर. तो अब हम 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 4 = 24, और एरिया के साथ हमेशा हम स्क्वायर लगाते हैं. मीटर लिखने के बाद हमने ऊपर लिखना है स्क्वायर. पेरीमीटर में हम नहीं लगाते, लेकिन एरिया में हमारे पास स्क्वायर लाजमी होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 मीटर हमारे पास यहाँ पर एक ये है, और यहाँ पे 1 मीटर 4 मीटर ये दिया हुआ है. तो यहाँ पे अगर हम इसकी पावर को प्लस भी करें तो हमारे पास इसकी जो पावर आ जाती है 2. तो यहाँ पर हम इसकी मीटर के साथ स्क्वायर लाजमी लगाएंगे. इसी तरह इसका बी पार्ट में हमें मालूम करना है. तो बी पार्ट में एरिया कैसे मालूम करेंगे, जो हमारे पास दी हुई है ये हमारे पास लेंथ है और 3 मीटर हमारे पास इसकी ब्रेथ दी हुई है. एरिया मालूम करना है, फार्मूला लगाएंगे एरिया का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. एरिया लिखा आपने, लेंथ ही हमारे पास 7 मीटर, ब्रेथ ही हमारे पास 3 मीटर, 7 × 3 = 21, तो 21 मीटर² हमारे पास आ गया इसका एरिया. स्टूडेंट्स, आज की डायरी है, आपने पेज नंबर 149 के क्वेश्चन नंबर 15 में इसका सी पार्ट जो रहेगा, यानी सी कारपेट का आपने एरिया मालूम करना है. और इसके अलावा ये वाला आपका होमवर्क आपका स्कूलोजी की फाइल में अटैच होगा, तो वहाँ से देख के आप अपना ये वाला होमवर्क मैच कर लीजिएगा. क्या है, आपने अपनी कॉपी में काम दुरुस्त किया है कि नहीं.